अगर कराची की बात की जाए तो शहर कराची में कचरा कुंडी से लेकर रेगिस्तान तक के मनाजिर देखने को मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक रेगिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो के टिनट्टी पर वाक़ है। आइए लोगों से जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि इस रेगिस्तान से गुजरते हुए उन्हें कैसा महसूस होता है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेन शाहरा है, ये NA-245 आमिर लियाकत का हलका है और इस ये रोड मेन शाहरा है, पाकिस्तान से मिल रहा है, ठीक है। अब ये रोड की हालत आपने देखी हुई है कैसा हुआ हुआ है, तो बंदा यहाँ से जा नहीं सकता, इतना ख़राब है कि बाइक के एक एक चीज़ हिल जाती है, बाइक के साथ साथ क्या इंसान हिल जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये है कि ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पर। डस्ट, जितनी डस्ट है उससे क्या मुश्किल पेश है? डस्ट से मुश्किल ये पेश आ रही है कि हमारे साथ जाते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं हमारे साथ तो एलर्जी है डस्ट से, ठीक है। रोड इतना ख़राब हुआ हुआ है कि मिट्टी इतनी है कि लोगों के घरों तक जा रही है। अब बंदा घर जा रहा है तो लोग घर वाले बोल रहे हैं कि कहाँ से आ रहे, रेगिस्तान से आ रहे हो आप, क्या करें हम, आप बताएं। यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है। आप वहाँ से चलें टीनट्टी से जहांगीर रोड, ये इन्होंने खोद रखा है, ये PTI MNA आमिर लियाकत का हल्का है, PS-106 लगता है जमाल सिद्दीकी का, और इनको तो अभी ठीक कर देना चाहिए क्योंकि PSL भी शुरू होने वाला है, उसकी वजह से वो रोड भी बंद पड़ा है और ये वाला रोड ख़राब है। और ये दोनों मेन रोड हैं जो अपना नेशनल सोराब गोड से लेकर सीधा कायदे आज़म के मज़ार जाते हैं। तो साल में 3 दफ़ा ये बन चुका है, ये सही नहीं बने, सब 2 नंबर है। सर आप ये देख रहे हैं रोड की क्या हालत हुई है? सर ये पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से यही पोजीशन चल रही है इस रोड की। पहले क्या था, पहले यहाँ पर सीवेजरी का निज़ाम बहुत गंदा था, आए दिन पानी, ट्रैफिक जाम। उसके बाद इन लोगों ने अपना खुदाई करके सीवेजरी लाइनें तो डाल दी हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें अभी भी क्या रोड अब तक नहीं बना है। तो मेरी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता ये इस तरफ आएँ और देखें क्या हाल है। मिनिस्टर यहाँ से गुजरते हैं, PM, पता नहीं कौन कौन यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बड़े आवाम के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी है। आपके सामने देखें कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक सर यहाँ पर यही कंडीशन रहती है। आवाम का यही कहना था कि ऐसे रेगिस्तान अगर शहर के बाहर बनाए जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा मैन मुदस्सिर नज़र के साथ फराज रज़ा, मोमेंटिक न्यूज़ कराची।